हेलो सभी साथियों का स्वागत है। आज का विषय और टॉपिक बहुत ही अच्छा है और आज मैं कुछ चार्वाक लोकायत के सूत्र जो है वो मैं बताऊंगा। उनके सिद्धांत क्या थे, उनके सूत्र क्या थे, उनके विचार क्या थे लोकायत के, और जिसे कहा जाता है लोकायतिक सूत्र, वो सब तो मैं बताऊंगा ही। और साथ में ये मैं आज के लाइव में ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये ही शायद पहला ऐसा चैनल होगा जिसमें आप कह सकते एक्सक्लूसिवली लोकायत चार्वाक के ऊपर चर्चा होगा, और कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां आपको ऐसा मिलने वाला है। और ये जो आप कुछ चैनल सुनते होंगे जैसे चार्वाक पॉडकास्ट, वहां पे ऐसी कोई चर्चा नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। नाम तो रखे चार्वाक का बट ऐसा कोई बात नहीं होता है। तो इस चैनल पर मैं ये चर्चा करूँगा। देर आर 60+ ऐसे कुछ सूत्र है जिनको पता चला अब तक, और मैं उनमें से आज सिर्फ 14 सूत्र ही दिखाऊंगा। ये पार्ट वन होगा, पार्ट टू पार्ट थ्री बाद में आएगा आपके सामने, पार्ट फोर। तो इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही जो है बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू हो जाते हैं। अततस्तत्वम व्याख्यास्मः तत्वोपलब्ध सिंह। अब हम तत्व की व्याख्या करेंगे। पृथ्वी पृथ्वी व्याप्ते वायु रते तत्वानि तत्व समुदाय शरीर द्रिय विशेष संघ। पृथ्वी जल तेज और वायु के ये तत्व है। इनके यथोचित संकोर मिलायन से शरीर इंद्रिय और उनके संपूर्ण विषय बनते हैं। इन दोनों सूत्रों को, अच्छा ये आगे मैं दूसरे पेज में आऊँगा। तो ये थे वो सूत्र। पहला सूत्र तो बता रहा है कि तत्व क्या है, वास्तविक सत्य क्या है। दूसरा आपको बता रहा है कि वास्तविक सत्य में कौन कौन से तत्व है, मटीरियल है, और इसीलिए इसको मटीरियलिज्म कहा गया है। इन दोनों सूत्रों को जयराशि भट्ट ने तत्वोपलब्ध सिंह में उक्तम च सूत्रकारेण, जैसे कि सूत्रकार ने कहा है कहकर उद्धृत किया है। तेभ्यश्चैतन्यम, इन तत्वों के विशिष्ट अनुपात में तापमान में संगत मिलाप से चेतना की उत्पत्ति है। इसके लिए किसी अतींद्रिय आत्मा की जरूरत नहीं। सूत्र दो तथा तीन को शंकर ने अपने ब्रह्म सूत्र में उद्धृत किया है। चौथा सूत्र, जिस प्रकार अन्न आदि पदार्थों के मिलाप से शराब व मादकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार चार महाभूतों से चेतना उत्पन्न होता है। दो से चार सूत्रों को भास्कराचार्य ने कहा, जैसे कि बृहस्पति के सूत्र कहकर ब्रह्म सूत्र में कमलशील ने तथा जैसे कि उनका सूत्र कहकर तत्व संग्रह पंजिका में, और गुणरत्न ने लोकायत सूत्र कहकर कि टीका में उद्धृत किया है। काम ही अकेला पुरुषार्थ, यह लगता है कि जानबूझकर नीलकंठ और सदानंद ने अकेले काम को पुरुषार्थ लिखा है ताकि चार्वाक को घृणा का पात्र बनाया जा सके, जिसके काम और अर्थ हो दो पुरुषार्थ है। ऐसा कहा गया है कि ऐसे में भी संभव है कि एक ने दूसरे के ग्रंथ से यह सूत्र प्रामाणिक समझकर उठा लिया हो और उसकी कोई दुर्भावना ना रही हो। यह सूत्र नीलकंठ के गीता की टीका में कहा कर उद्धृत किया है। यह सदानंद की अद्वैत ब्रह्म सिद्धाह में भी दो अन्य सूत्रों के साथ बृहस्पत्याणि सूत्राणि कहकर उद्धृत किया है। तो ये थे सूत्र 3, 4 और 5 जिनको मैंने अभी पढ़ा है, और ये किताब भी जो है आप खरीदवा सकते हैं अमेज़ॉन में। मैं कभी इसका हो सके तो लिंक दे दूंगा, अमेज़ॉन का या किंडल वर्जन का, अमेज़ॉन में आपको मिलेगा ये, तो मैं वो आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि जो भी शरीर बना है वो कोई आत्मा से नहीं बना है,
बल्कि केवल मटेरियल से बना है, यही चार्वाक के ओरिजिनल सिद्धांत थे और ओरिजिनली यही चीज था। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। छठा सूत्र, प्रत्यक्ष के विपरीत जाने वाला अनुमान प्रमाण प्रमाण नहीं हो सकता। इस सूत्र को अभय देक्षुरी ने तथा बृहस्पति सूत्रम कहकर तत्वबोध विधि विधायिनी टीका में और वाचस्पति मिश्र ने इति लोकायतिकः कहकर सांख्य तत्व को मुदि में उद्धृत किया है। अच्छा, चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुष, चेतना शक्ति संपन्न चार भूतों का बना शरीर ही पुरुष है, इसके अतिरिक्त कोई आत्मा आदि नहीं है। यह सूत्र शंकर के ब्रह्म सूत्र भाष्य में उल्लिखित है। सदानंद ने इससे दो अन्य सूत्रों 5 और 8 के साथ तथा च बृहस्पत्याणि सूत्राणि कहकर उद्धृत किया है। तो यह था 7वां सूत्र। तो इससे भी बहुत सारी ये बातें चलती है कि वास्तव में मटेरियल शरीर ही सत्य है और प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सत्य कहा गया है, कि जो हमें दिखता है, जो हम अनुभव करते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम सूंघ सकते हैं और जो पूरे बॉडी के रिएक्शन पर आधारित है, उसी को वास्तव में प्रमाण माना गया है। यह पहली बात। दूसरी बात कि चैतन्य की रचना जो काय है वो भूतों, चेतना भूतों से बना, तत्वों से, और वो शरीर बना और शरीर को ही पुरुष कहा गया है। इसके अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, अर्थात यहाँ आत्मा का खंडन हो रहा है और इसके बारे में लिखा गया है शंकर के ब्रह्म सूत्र भाष्य में भी। सदानंद के अन्य सूत्र 5 और 8 में भी इसका मेंशन किया गया है, उसको भी बृहस्पत्याणि सूत्र ही कहा गया है। तो बृहस्पति, जैसे कि मैंने पुराने जो वीडियो है, वीडियो थ्री में कि बृहस्पति जो है वो इस स्कूल के एक टाइम फाउंडर रहे होंगे, बाद में चार्वाक बना और लोकायत जो है आगे बना, इसका बढ़ावा किया गया। तो ये है पॉइंट। और मैं आगे दिखाता हूँ मैं पॉइंट। तो दोस्तों आगे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ये है 8वां। श्रीधर स्वामी ने इसे तत्च बृहस्पत्य सूत्रम कहकर गीता की श्रीधर टीका में उद्धृत किया है। मरणमेवापवर्गः, मृत्यु ही मोक्ष है। सदानंद इसे बृहस्पत्याणि सूत्राणि कहकर दो अन्य सूत्रों के साथ उद्धृत करता है। तो काम सूत्र अन्य सूत्रों के साथ इसे इति लोकायतिकाः, ऐसे लोकायतिक कहते हैं, कहकर उद्धृत करता है। न धर्मश्चेरेत, काल्पनिक व मिथ्या धर्मों का पालन ना करे। तो यहाँ पे धर्म का भी खंडन हो रहा है, धर्म को भी नहीं मानना है। धर्म में जो काल्पनिक है, जो भी काल्पनिक चीज़ें हैं वो नहीं माननी है, ठीक है। जितने भी धार्मिक जो चीज़ें हैं वो कल्पना पर आधारित है, मिथ्या है, ये इनका कह रहा है यहाँ पे। ऐश्यत्फल तत्व, क्योंकि वे धर्म अनुमान पर आश्रित भविष्य की बात करते हैं, उनके द्वारा बताए यज्ञ के फल इस दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे यज्ञ और कर्मकांड जो है उसका खंडन हो रहा है इस बात से कि भाई ये भविष्य की बात चल रही है, लेकिन यज्ञ जो आज आप कर रहे हैं उसका तो कोई फल नहीं मिल रहा, ना ही उसका दिखाई देता है, इसलिए इसका खंडन है और वो यज्ञ को ना मानने और कर्मकांड को ना मानने का सुझाव दे रहे इस बात की, कि ये अनुमान पर आधारित है। ये इनका तथ्य था। और आगे तो मैं दिखा ही रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे अब तक जितने मैंने दिखा है, टोटल 10 सूत्र लोकायत के सूत्र मैंने अभी तक कवर किए हैं, और भी 2-3-4 सूत्र हैं जिनको मैं कवर करूँगा। तो ये होगा आज के वीडियो में सभी इन 14 सूत्रों का। आगे के वीडियो में अन्य सूत्रों को भी मैं दिखाऊंगा और भी इससे रोचक रोचक जो बातें मिलती है इनके विषय में। और ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने इस पे बहुत गहन अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। तो लोग ज़रूर उनके किताब को भी पढ़ें, उनके विचारों को जानें और समझने की कोशिश करें, प्रयास करें।
ये होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट 11वां श्लोक, संशयिक तत्व था, इन यज्ञ आदि धर्म के फल संशय रहित नहीं है, अतः इनके पालन का कोई लाभ नहीं। अच्छा ये हुआ 11वां सूत्र। 12वां सूत्र, को हाबलिशो हत्वगतम परगतम कुर्यत, कोई समझदार व्यक्ति अपने हाथ की मूल्यवान वस्तु दूसरे को दान देना चाहेगा। तो यहाँ पे दान विधान का खंडन हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, आपने देखा होगा पंडित पुजारी पुरोहित ब्राह्मण दान लेता रहता है, तो यहाँ दान विधान का खंडन हो रहा है कि आप अपने प्रिय वस्तु को क्यों दोगे दान में। ये है नेक्स्ट 13 सूत्र, वरम दक को पत श्वो मयूरात, कल जिस मोर के मिलन का संशय है उसकी उपेक्षा आज पक्के तौर पर मिलने वाला कबूतर अधिक श्रेयस करे। तो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट थिंग में जो मिलता है इज़ बेटर दैन फ्यूचर, तो फ्यूचर को छोड़िए प्रेजेंट में ध्यान देने को बोल रहे हैं। वरम संशयति त्रिष्कादासम शैकः कार्षपाणः, जिस स्वर्ण मुद्रा का मिलना संदिग्ध है उसी की उपेक्षा पक्के तौर पर मिलने वाला वाली रजत की मुद्रा श्रेयस्कर है। 8 से लेकर 14 तक के सूत्रों को वात्सायन ने इति लोकायतिकः ऐसा लोकायतिक कहते हैं कहकर काम सूत्र में उद्धृत किया है। इन दोनों सूत्रों के कथ्य को यह लोकोक्ति भी अभिव्यक्त करते हैं, नौ नकद न तेरहे उधार। अंग्रेजी में भी ऐसे उक्ति मिलते हैं, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि लोकायत सूत्र ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और जो हम वास्तव में जी रहे हैं, वास्तविक जीवन हम जिस तरह से जी रहे हैं, हम तो चरवाक की तरह ही जी रहे हैं, लेकिन हम मान क्या रहे, परमात्मा को मान रहे, आत्मा को मान रहे, ईश्वर भगवान अल्लाह गॉड पता नहीं क्या क्या पाखंड को मान रहे, मंदिर में दान दक्षिणा दे रहे, पंडित पुजारी को दान दक्षिणा दे रहे हैं, हम जो है कर्मकांड में फंसे हुए हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, यज्ञ हवन करवा रहे हैं, मंदिर पूजा करवा रहे हैं। तो सोचिए ये सिद्धांत है, और इन सिद्धांत में और वास्तविक जिस तरह हम जीवन जी रहे डे टू डे में कितना अंतर है, ये हमें दिखा रहा है एक्चुअली ये सिद्धांत। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।